नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता सुश्री नेहा बग्गे ने कमलनाथ के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में प्रदेश से लेकर सोनिया गांधी तक के निवास स्थान तक भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि सवाल प्रदेश के अंदर हो रहे डैम के लगातार फूटने, चाहे वे कारम डैम धार की बात की जाए, बेगमगंज की बिना नदी के पुल की बात की जाए, या मंडीदीप की कलिया सोत नदी पर बने पुल की बात की जाए, या हमीदिया अस्पताल की निर्माण बिल्डिंग की छत गिरने की बात की जाए, इससे कई भ्रष्टाचार बरसात के अंदर उजागर हो चुके हैं, जिस पर जवाब न देते हुए सवालों के जवाब से बचते हुए गलत दिशा में ले जाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और उसूल बन चुका है, जबकि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दूसरे पर दोष मढ़ने के बयानबाजी लगातार भाजपा प्रदेश में करती चली आ रही है। ध्यान भटकाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। मुख्य मुद्दे जो आज देश के अंदर है उनसे ध्यान हटाकर किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, आप स्वयं देख सकते हैं। भोपाल से संवाददाता उमेर खान की रिपोर्ट। कांग्रेस अपना आकलन करना शायद भूल गई है। अगर आप ए से लेकर जेड तक देखेंगे तो योजनाओं की जगह आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। आसमान से लेकर धरती तक की योजनाएं देखेंगे तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार नजर आएगा। कांग्रेस के 15 महीने की सरकार देखेंगे तो कमलनाथ जी के निवास से लेकर उनके करीबियों से लेकर दिल्ली के सोनिया गांधी के आवास तक आपको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई देगा। तो जिनके घर शीशे के होते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें पत्थर फेंकने का काम नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली, दिन रात एक कर अधिकारियों से चर्चा करके, प्रधानमंत्री से चर्चा करके, एनडीआरएफ की टीम लगाकर, समस्त जो है प्रशासनिक टीम लगाकर तुरंत स्थितियों को काबू में किया है। और ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार की पशुहानि नहीं हुई, समय रहते स्थितियों को कंट्रोल कर लिया गया। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।